नमस्कार और स्वागत है तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्पोर्ट्स टॉक के स्पेशल सेगमेंट पर। और उससे पहले आपको बता दें कि कल से हम स्टूडियो से लाइव होंगे, क्योंकि कल पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करने वाला गेंदबाज कौन है, कौन है वो गेंदबाज जो कि जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में जगह बनाएगा, और क्या सिर्फ जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करके हमारी गेंदबाजी लाइनअप जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। कुछ आंकड़े मैंने निकाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कप्तान आपके रोहित शर्मा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया था मैच के बाद। उन्होंने कहा था कि मैं उन गेंदबाज को प्रेफर करना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया में जिनके पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अनुभव है। तो किसके पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अनुभव है? बहुत सारे लोगों के मन में लगा कि शायद शमी के पास ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अनुभव है, तो वो आपको रिप्लेस करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद शमी से ज्यादा अनुभव ऑस्ट्रेलिया में खेलने का दीपक चाहर के नाम है। मोहम्मद शमी ने कुल मिलाकर मात्र एक T20 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला, सिर्फ एक T20 मैच, और चार ओवर की गेंदबाजी शमी ने की है, 46 रन दिए हैं, और इनकी इकॉनमी जो है वो 11.50 की है। ये शमी की इकॉनमी ऑस्ट्रेलिया में, मात्र एक मैच इन्होंने खेला है। जबकि दीपक चाहर की अगर हम बात करें तो दीपक चाहर ने 3 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, 12 ओवर की गेंदबाजी की है, 111 रन दिए हैं, एक विकेट लिया है, और इनकी इकॉनमी 9.25 की है। तो इस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से दीपक चाहर शमी से कहीं आगे निकलते हुए नजर आ रहे, क्योंकि 3 मैच का अनुभव है, इकॉनमी भी उनकी अच्छी है, और विकेट भी हालांकि 3 मैच में एक उनके नाम है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कप्तान रोहित शर्मा की पसंद मोहम्मद शमी है? और शमी के बारे में जब आप डिटेल में देखेंगे तो कई बार लगता है कि यार कहीं बैकफायर तो नहीं कर जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एक शमी को आप रिप्लेस करेंगे सिर्फ बुमराह की जगह पर, तो फिर काम शायद नहीं चलेगा। आपको कुछ और रिप्लेस करने की बातें होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया। हमने आंकड़े निकालने की कोशिश की कि भाई भुवनेश्वर कुमार के कैसे आंकड़े हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इनके पास भी बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है ऑस्ट्रेलिया में T20 मैच खेलने का। 3 मैच खेले भुवनेश्वर कुमार ने, 10 ओवर की गेंदबाजी की है, 68 रन दिए हैं, 2 विकेट निकाले और 6.80, यानी कि इकॉनमी भुवनेश्वर कुमार की ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी है। हालांकि 3 ही मैच भुवनेश्वर कुमार ने खेले, 3 मैच दीपक चाहर ने और 1 मैच आपके खेला है शमी ने। अब देखिए सवाल यह कि इनफॉर्म गेंदबाज को आपको लेकर जाना है, क्योंकि अर्शदीप सिंह को कोई अनुभव नहीं है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। लेकिन इस समय किसी से भी पूछेंगे वो कहेंगे कि नहीं, ये तो आपके पहले चॉइस होंगे आपके प्लेइंग 11 में जगह बनाते हुए, तो आप किस बेस पर कह रहे हैं कि अर्शदीप सिंह को खिलाना चाहिए? क्योंकि उन्होंने कनेड में परफॉर्मेंस करके दिखाया है, गजब की गेंदबाजी की है। एशिया कप में आपको याद होगा कि डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, तो उसी के बेस पर हम कह रहे हैं कि उनको जरूर आपको लेकर आना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यही है कि जो कप्तान का मानना है कि हम उस गेंदबाज को प्रेफर करेंगे जिसके पास अनुभव होगा खेलने का ऑस्ट्रेलिया में, तो सिराज के पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। एक भी T20 इंटरनेशनल मैच सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेली, लेकिन टेस्ट मैचेस में कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहा है। जहां तक बात है भुवनेश्वर कुमार का, वो ऑलरेडी स्क्वाड में है, और हम तो चाह रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार को स्टैंड बाय में डाल करके सिराज को लेकर आ जाएं, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप शमी को भी स्क्वाड में लेकर आ जाएं, और आप जसप्रीत बुमराह की जगह पर लेकर आ सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया वो आपको बनते हुए नजर आएगा ऐसे सूरत में कि भाई आपके पास में शमी हो जाएंगे, सिराज हो जाएंगे, आपके पास में हर्षल पटेल हो जाएंगे, अर्शदीप सिंह हो जाएंगे, ये चार आपके तेज गेंदबाज हो जाएंगे। और दीपक चाहर के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या दीपक हुडा जो है वो फिट है या नहीं है, क्योंकि आपको ये भी मानकर चलना पड़ेगा कि भुवनेश्वर कुमार के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपके दीपक चाहर। तो फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से सुनिएगा, आपकी अगर मान लीजिए कि आपने भुवनेश्वर कुमार को स्टैंड बाय में डाल दिया और उनकी जगह पर आपने दीपक चाहर को इन करा दिया, उसके बाद जो जसप्रीत बुमराह का स्पॉट है वहां पर अगर आपने मान लीजिए कि शमी को इन करा लिया, तो दीपक चाहर और शमी आपके इन हो गए। इसके अलावा भी आपके पास में एक ऑप्शन बनता बचता है कि क्या आपके लिए ऑलराउंडर दीपक हुडा वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपकी 5 नंबर तक बैटिंग सॉलिड है, 6 नंबर पर डीके खेलते हुए नजर आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर कोई फोर्स इंजरी नहीं हो, फोर्स चेंज ना करना पड़े, तो मेरे ख्याल से डीके ही आपके लिए खेलते हुए नजर आएंगे। 7 नंबर पर अक्षर पटेल हो जाएंगे, तो ऐसे में अब एक जगह जो है वो बचती हुई नजर आ रही है कि क्या यह पॉसिबिलिटी है कि टीम इंडिया अपने एक स्पिनर को, यानी कि मैच में जैसे हम 2 स्पिनर को खिलाते हैं, अश्विन को खिलाते हैं और उनके साथ में अक्षर पटेल खेलते हैं, या यजुवेंद्र चहल के साथ में अक्षर पटेल खेलते हैं, तो क्या यह पॉसिबिलिटी बनती है कि टीम इंडिया एक स्पिनर को ही खिलाए प्लेइंग 11 में, और आप 4 तेज गेंदबाज के साथ जाएं, और उसके बाद 5वें आपके पास हार्दिक पांड्या हो, क्या ऑस्ट्रेलियन विकेट पर यह फ्रूटफुल होगा? यह होगा नहीं होगा यह तो चर्चा का विषय है, और जब परफॉर्मेंस की जाएगी उसके बाद इवेल्युएट करेंगे। लेकिन आपके स्क्वाड में इस समय एक और तेज गेंदबाज जरूर होना चाहिए, और वो कैसे होगा? क्या आप एक स्पिनर को ड्रॉप करना चाहेंगे, या आप दीपक हुडा
को स्टैंड बाय में भेजकर उनकी जगह पर किसी और फास्ट बॉलर को लाना चाहेंगे। यानी कि हमारा यह मानना है कि अगर आप दीपक चाहर को लेकर आते हैं तो भुवनेश्वर कुमार की जगह पर आप लेकर आ जाइए, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। 3 मैच खेलने का अनुभव उनको भी ऑस्ट्रेलिया में, तो आप दीपक चाहर को लेकर आ जाइए आपके भुवनेश्वर कुमार की जगह पर स्टैंड बाय में, आपके भुवनेश्वर कुमार चले जाएंगे, दीपक चाहर आ जाएंगे आपके 15 के स्क्वाड में। इसके अलावा जैसे कि शमी के बारे में चर्चा हो रही है, उमेश यादव को भी कोई अनुभव नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, और जो कप्तान ने कहा कि उन गेंदबाज को मैं प्रेफर करूंगा जिनके पास की अनुभव है ऑस्ट्रेलिया में, क्या यह सिर्फ T20 के लिए है? क्योंकि अगर टेस्ट मैच की गेंदबाजी को देखेंगे तो उमेश यादव के पास में भी अच्छा खासा अनुभव है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में गेंदबाजी करने का, लेकिन T20 में अब तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोई T20 मैच खेला नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि कप्तान की सोच कहां जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनका यह मानना था कि वो गेंदबाज जिसने किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दावेदारी भुवनेश्वर कुमार की भी बनती है, शमी की भी बनती है, सिराज की भी बनती है, लेकिन चेंज आपको करना पड़ेगा। आपको भुवनेश्वर कुमार की जगह पर दीपक चाहर को लेकर आना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर शमी आते हैं जसप्रीत बुमराह की जगह पर तो एक चीज और आप कर रहे हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो दीपक हुडा की जगह पर या फिर किसी एक स्पिनर की जगह पर एक और फास्ट बॉलर को अगर आप टीम में लेकर आते हैं तो आपकी टीम जो है वो स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपकी गेंदबाजी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपके सामने वाली टीम को डराने के लिए काफी होंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 4 गेंदबाज के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक गेंदबाज आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशन को देखते हुए शॉर्ट है, तो ऐसे में मेरे ख्याल से तेज गेंदबाज आपको जरूर लेकर जाना चाहिए एक एक्स्ट्रा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दीपक चाहर को आप लेकर आइए इन प्लेस ऑफ भुवनेश्वर कुमार। एंड जसप्रीत बुमराह अगर नहीं है जो कि ऑफिशियल हो गया, तो उनकी जगह पर अगर शमी को लेकर आते हैं तो दीपक हुडा या फिर यजुवेंद्र चहल में से किसी एक को अगर आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं स्टैंड बाय में, और वहां पर सिराज को या उमेश यादव को लेकर आए, क्योंकि यही गेंदबाज आपको मैच जिताने वाले ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। हो सकता है कि स्पिन इतने इफेक्टिव ना हो लेकिन तेज गेंदबाज वहां पर अपनी स्विंग गेंदों से जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलती है, जो कैरी करती है गेंदे, उससे सामने वाली टीम को जरूर परेशान करते हुए नजर आएंगे। हमने आपको आंकड़े भी बता दिए कि जैसे शमी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में T20 फॉर्मेट में वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है नहीं, एक मैच शमी ने खेला और कुल मिलाकर देखे 4 ओवर में 46 रन दिए हैं। अब सवाल यह कि कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद अब एनसीए में है, अब फिटनेस पर काम कर रहे हैं, कितने फिट होंगे, कब आकर गेंदबाजी करेंगे, आखिरी दफा जब उन्होंने गेंदबाजी की थी वो बैक इन 2021 ना, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन क्यों उनको टीम में लेकर आया गया ये आंकड़े भी सुन लीजिए। क्योंकि पावर प्ले में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करते हुए विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, और आईपीएल 2022 में कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने 11 विकेट निकाले पावर प्ले में, और ये ज्वाइंट हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट है मोहम्मद शमी का आईपीएल 2022 में पावर प्ले में, यानी कि शुरू के 6 ओवर्स में, और इकॉनमी भी शानदार रही है 6.62 की, यानी 6.62 की इकॉनमी से पावर प्ले में इन्होंने गेंदबाजी की है, रन दिए। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो है वो शमी के को कहीं ना कहीं पुश करती है टीम में लाने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि टीम मैनेजमेंट क्या कॉल लेती है, क्या शमी को मान जाएगी कि भाई बिना मैच प्रैक्टिस कराए वो आपके लिए अच्छे गेंदबाजी कर सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर सिर्फ बुमराह की जगह पर शमी को लेकर आएंगे तो शायद काम नहीं चलेगा, 2 और रिप्लेसमेंट चाहिए, दीपक चाहर भी आपको चाहिए, और साथ ही साथ उमेश यादव और सिराज में से भी किसी एक को आप जरूर टीम में लेकर आइए, तभी जाकर आपकी बात बनती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है कि आप हमारी बातों से कन्विंस है या आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और बता दें कि कल से हम स्टूडियो से लाइव आएंगे क्योंकि कल पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है। मैं और शशांक आपके साथ मिलेंगे, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, वीडियो को जरूर आप प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा।